हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विकास यूनिवर्सिटी में। मेरा नाम है विकास शर्मा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेरे पास यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डेटा मेरे पास यहाँ पे ले रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है कि जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे पास नेम है, ये नेम है मेरे पास, और ये सारे यहाँ पे ब्लैंक पड़े हैं, ठीक है। यहाँ पे डिपार्टमेंट भी यहाँ पे ब्लैंक है, ठीक है। अब मेरी रिक्वायरमेंट रहेगी इन ब्लैंक सेल्स को फिलअप करना, ठीक है। तो हम बेसिकली वैसे करते क्या है, ट्रेडिशनल हम यहाँ पे नेम को ड्रैग कर लेते हैं या फाइनेंस इस तरीके से यहाँ पे इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेंगे। ऐसे हम तरीके यहाँ पे अपनाते हैं इन चीज़ों को फिलअप करने के लिए, ठीक है। बट ऐसे में अगर करने लगूंगा तो आपको पता है, देख लीजिए, मेरा काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे टाइम वेस्ट होने वाला है। जितना भी मेरे पास डेटा ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा मेरा यहाँ पे टाइम वेस्ट होने वाला है, ठीक है। तो इसके लिए सिंपल से ट्रिक क्या रहेगी, आप यहाँ पे अपना कर्सर रख लीजिएगा और कंट्रोल ए से पूरा डेटा को सिलेक्ट कर लीजिएगा। देख सकते हैं आप, सारा डेटा हमारा सिलेक्ट हो गया। अब आपको क्या करना है, कंट्रोल जी यहाँ पे प्रेस करना है, तो गो टू वाला टैब हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे स्पेशल में जाना है। स्पेशल में अब आपको क्या करना है, हम स्पेशल में आ गए। अब आपको ब्लैंक जो यहाँ पे आता है ब्लैंक, इसको यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। इससे होगा क्या, जितने भी हमारे जो ब्लैंक सेल है वो सिर्फ और सिर्फ पूरे डेटा में वो ही हमारे सिलेक्ट हो जाएंगे। मैं ओके कर रहा हूँ। अब देखिए, सिर्फ ब्लैंक सेल ही हमारे सिलेक्ट हुए, बाकी कोई भी सेल यहाँ पे सिलेक्ट नहीं हुआ है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सिंपल इक्वल टू प्रेस करना है और ऊपर वाला ये वाला सेल जो है उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब हमारा ये वाला सेल सिलेक्ट हो गया, सिंपल। अब हमको करना क्या, अब हमको एंटर करना है, बट एंटर हमको सिंपल एंटर नहीं करना है, कंट्रोल के साथ हमको क्या करना है, एंटर प्रेस करना है। तो आप देख सकते हैं कि जितना भी मेरा ब्लैंक सेल थे वो अपने आप ही यहाँ पे टोटल फिलअप हो चुके हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ट्रिक अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।